हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। फ्रेंड्स, ये थ्योरम क्या है? एफ एक्स बार एंड वाई बार आर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम रेस्पेक्टली, देन वाई बार ट्रांसपोज ए एक्स बार माइनस बी प्लस एक्स बार ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ए ट्रांसपोज वाई इक्वल टू जीरो, ये होता है। फ्रेंड्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो हम फ्रेंड्स सबसे पहले लेट एल एच एस ले लेते हैं। हम एल एच एस क्या है? वाई बार ट्रांसपोज ए एक्स बार माइनस बी प्लस एक्स बार ट्रांसपोज सी माइनस ए ट्रांसपोज वाई बार। अब इसमें हम वाई बार ट्रांसपोज अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है अपने पास वाई बार ट्रांसपोज ए एक्स बार माइनस वाई बार ट्रांसपोज बी प्लस एक्स बार ट्रांसपोज सी माइनस एक्स बार ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वाई बार। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं, नाउ हम यहाँ पे देखते हैं वाई बार ट्रांसपोज ए एक्स बार। ये क्या है वाई बार ट्रांसपोज? क्या होता है हमारे पास? वन क्रॉस एम का मैट्रिक्स होता है। ए ट्रांसपोज क्या होता है? एम क्रॉस एन का होता है। और एक्स बार क्या होता है? वो होता है हमारे पास एन क्रॉस वन का। तो वन क्रॉस एम, एम क्रॉस एन और एन क्रॉस वन का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? स्केलर। और फ्रेंड्स इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो सिंपली इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो वाई ट्रांसपोज ए एक्स बार का ट्रांसपोज निकालें तो ये हो जाएगा एक्स बार ट्रांसपोज, और इसका हम अलग से लिख देते हैं वाई बार ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा एक्स बार ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वाई बार, वाई बार का ट्रांसपोज तो वाई बार हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर ये रहा हमारे पास एक्स बार ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वाई बार। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसके इक्वल ये हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास इससे ये कट जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली माइनस वाई बार ट्रांसपोज प्लस एक्स बार ट्रांसपोज सी। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब ये आ गया तो हम यहाँ देखते हैं, अब इसको हमें इन दोनों को जीरो प्रूव करने के लिए दोनों के लिए इक्वल से इक्वल प्रूव करना होगा। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ये दिया हुआ है वाई बार ट्रांसपोज, सॉरी वाई बार ट्रांसपोज बी बी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स बार और जो वाई बार है दोनों ही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्स बार है और डुअल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाई बार है। अब जब जो दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन दोनों के इक्वल होते हैं क्योंकि वाई बार एंड एक्स बार आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ डुअल एंड प्राइमल प्रॉब्लम। सो माइन वाई बार ट्रांसपोज बी इक्वल टू एक्स बार ट्रांसपोज सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों आर जो एल एच एस होगा एल एच एस इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास प्रूव। अब फिर हम इसी से रिलेटेड कोरोलरी देखते हैं, इससे एक रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या होता है हमारे पास? जैसे ए एक्स बार लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसका जो डुअलिटी होती है वो होती है हमारे पास ए ट्रांसपोज वाई बार ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड वाई बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ के हम इनको इक्वेशन में चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं उस टाइम पे। तो एक्स बार इक्वल टू बी एंड एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हम सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ते हैं, सॉरी सरप्लस वेरिएबल जोड़ते हैं, तो वो होता है ए ट्रांसपोज वाई बार माइनस आर बार इक्वल टू सी वाई बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आर बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स ये है तो हमारे पास हम जानते हैं वाई बार ट्रांसपोज माइनस एस प्लस एक्स बार ट्रांसपोज माइनस आर इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास ये सिंपली ये तो हमें पता है कि हमारे पास
वाई बार ट्रांसपोज ये, वाई बार ट्रांसपोज ए एक्स एंड एक्स बार ट्रांसपोज, जो हमने प्राणी इसमें पढ़ा था वो रहा है, ये रहा है माइनस वाई बार ट्रांसपोज बी इक्वल टू एक्स बार ट्रांसपोज सी, ये होता है हमने जो, ये तो ये जीरो हो जाएगा इस कंडीशन से, हमारे पास ये केस आ जाएगा, ये हमारे पास फ्रेंड जीरो हो जाएगा, ये केस आ गया हमारे पास। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वाई बार ट्रांसपोज एस प्लस एक्स बार ट्रांसपोज आर बार इक्वल टू जीरो, फ्रेंड्स ये हमारे पास जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन के लिए हम फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे पास एक्स बार ट्रांसपोज आर एंड वाई बार ट्रांसपोज आर बार इक्वल टू जीरो, दोनों हमारे पास जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो वाई बार ट्रांसपोज था ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और एस जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इस कंडीशन में हमारे पास ये जीरो तभी होगा, ये जीरो तभी होगा जब हमारे पास ये दोनों जीरो होंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये आ गया एफ, जो रिजल्ट आया एफ वाई आई इक्वल नॉट जीरो देन एस आई मस्ट भी इक्वल टू जीरो होगा, वाई बार एस बार, सॉरी यहाँ पे एस बार है, तो ये होगा हमारे पास। और करस्पोंडिंग इसके ही अगर एंड इफ एक्स आई इक्वल नॉट जीरो देन एक्स आई इक्वल नॉट जीरो देन आर आर आई जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, और साथ ही अगर वाई आई ग्रेटर देन इक्वल वाई आर इक्वल टू जीरो, तब हम नहीं कह सकते फ्रेंड्स, तब मे एंड मे नॉट एस आई इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह इसमें करेंगे हम एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर एक्स आई इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन पर आर आई इक्वल टू जीरो मे और मे नॉट। फिर से हम इसके इनकी हेल्प से हम आगे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी, में उनको देखना आप। थैंक यू फ्रेंड्स।